अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंग्लैंड को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान टीम में कौन सी तब्दीलियां की जाएंगी और किस तरीके से इंग्लैंड को शिकस्त दी जाएगी पहले टेस्ट मैच में जो कि 5 अगस्त को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुकम्मल खुफिया प्लान तैयार कर लिया है। आइए आपको पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान टीम में होने वाली तब्दीलियों के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे से भाइयों, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो बिल्कुल भी फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन भी बजा देनी है। तो चलिए बगैर कोई आपका कीमती वक्त ज़ाया किए आपको बताते चलें कि पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी पहले टेस्ट मैच के लिए और कौन सी तब्दीलियां की जाएंगी। पाकिस्तान टीम की तकरीबन वही प्लेइंग 11 मैदान में उतारी जाएगी जो बांग्लादेश को शिकस्त देकर मैदान में आई है, लेकिन उसमें 2 अहम तरीन तब्दीलियां की जाएंगी। पहली तब्दीली की बात करें तो सुहेल खान की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से इसे शामिल किया जाएगा। अगर दूसरी तब्दीली की बात करें तो यहां पे फवाद आलम जो कि काफी अरसा बाद पाकिस्तान टीम में वापस आए हैं उनको शामिल किया जाएगा। फवाद आलम और सुहेल खान की पाकिस्तान टीम में एक बार फिर से एंट्री होगी और इनकी जगह पे पहले ही हारिस सुहेल बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में एक ही स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी और वो होंगे यासिर शाह। 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतारा जाएगा पाकिस्तान टीम को। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निकेबान।